अरे मेरा बीवी हो तुम, ठीक है, किसी से परमिशन लेने का क्या जरूरत है? अच्छा तुम भी मेरा पति हो, तुम भी मेरा पति हो, किसी से परमिशन लेने की कोई जरूरत मुझे नहीं है, ठीक है? ठीक है ना, कोई जरूरत नहीं है, तुमने मेरा बाल काटा है ना। तो गाइस आज मैं ट्रिमर से ज्योति का बाल काटने वाला हूं और उसके बाद ज्योति का क्या रिएक्शन मिलता है आप लोगों को दिखाएंगे। चैन से नहीं निकल रहा है ये। क्या कर रहे हो तुम? बाल काट रहा था, बाल काट रहा था तुम्हारा। ये नया खरीदा है ना? ये क्या किया तुमने? अरे नया खरीदा था मैं ये, और इसमें थोड़ा अरे हम देख रहे थे इसे बाल काटता है कि नहीं काटता है। आंखों के सामने से जाओ, मार दूंगी, फिर तुम मुझे उल्टा सीधा बोल दो, ऐसे जाओ, मैं बोल रही हूं, जाओ। तोड़ दूंगी तुम्हारे ट्रिमर, ठीक है? एक और बार काट के देखते हैं। तो मेरे पास दो, मैं काट के दिखा दो। क्या बाल काटना किसे कहते हैं? मैं दिखाती हूँ, आ जाओ। और तुम्हें तो जान से मार देना चाहिए, एक लड़की का बाल तुमने बिना बचा बाल काटा, मैंने तुमको मारा। ट्रिमर लाओ, मैं काटूंगी तुम्हारा बाल, जाओ जाओ। तो हेलो गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एस एम मोटो ब्लॉग्स। तो गाइस कैसे आप लोग, हुक करते हैं आप सभी बहुत अच्छे और हम भी बहुत अच्छे। तो गाइस अभी मैं बहुत टाइम से देख रहा हूँ ज्योति, अभी मतलब ज्योति अभी दो घंटा से सो रहा है। तो गाइस अभी ज्योति को दिखाते हैं, और गाइस आज एक बहुत तगड़ा वाला वीडियो हम करने वाले हैं। ज्योति बहुत दिन बाद ये शाम के टाइम पे सोया है, तो आज मतलब एक बहुत अच्छा मौका मिला है मेरे को। तो गाइस अभी आप लोग समझ ही पा रहे होंगे कि ज्योति के साथ आज हम कुछ करने वाले हैं, वो भी खतरनाक वाला। तो अभी फिलहाल आप लोगों को दिखा देते हैं ज्योति सो रहा है। तो गाइस देख सकते हो कितना चैन से सो रहा है ये, और अभी क्या करने वाले हैं आप लोगों को बताते हैं। तो गाइस अभी हम ज्योति के साथ एक बहुत ही खतरनाक चीज करने वाले हैं, मेरे हाथ में देख सकते हो क्या है। तो गाइस आप लोग तो थोड़ा बहुत अंदाजा इससे लगा ही पाओगे कि मैं ज्योति के साथ आज क्या करने वाला हूँ। तो गाइस आज मैं ट्रिमर से ज्योति का बाल काटने वाला हूँ, और उसके बाद ज्योति का क्या रिएक्शन मिलता है आप लोगों को दिखाएंगे। तो गाइस पहले कैमरा सेट कर देते हैं, उसके बाद आप लोगों से बात करते हैं, चलिए गाइस। तो गाइस अभी हम काटने वाले हैं ज्योति का बाल। तो गाइस जैसे कि आप लोगों को पता है कि एक लड़की का सबसे इंपॉर्टेंट थिंग उसका बाल होता है, मतलब एक लड़की उसके बाल से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। तो गाइस आज ज्योति का बाल हम काटने वाले हैं इस ट्रिमर से, तो उसका रिएक्शन तो बहुत तगड़ा वाला आने वाला है। लेकिन गाइस इसमें भी एक ट्विस्ट है, वो ट्विस्ट क्या है, आज सच में मतलब ज्योति का बाल हम नहीं काटेंगे, मतलब ज्योति के साथ एक प्रैंक करेंगे। लेकिन उसके लिए मुझे बाल की ज़रूरत होगा, ये वाला प्रैंक करने के लिए मुझे बाल की ज़रूरत होगा, और मेरे पास बाल नहीं है। तो मेरा बाल तो बड़ा बड़ा हो गया है, तो मैं खुद का बाल ही काट के ज्योति के ऊपर प्रैंक करूँगा। तो गाइस पहले अपना बाल काट लेता हूँ, उसके बाद ज्योति के ऊपर प्रैंक करता हूँ। तो गाइस अभी मैंने कैमरा सेट कर दिया है, और ज़्यादा तेज़ बात नहीं कर पाऊँगा क्योंकि ज्योति अभी सो रहा है, और अपना बाल काटना पड़ेगा, यही सबसे बड़ा दुख हो रहा है। लेकिन ये प्रैंक के लिए और ज्योति का रिएक्शन के लिए अपना बाल काटना पड़े तो मैं काटने के लिए राजी हूँ। पता नहीं क्या काटूंगा यार, कट जा यार, कट जा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो हो गया। गाइस सच में मैंने अपना बाल काट लिया, देखिए गाइस, और ज्योति के ऊपर ये वाला प्रैंक आज बहुत तगड़ा होने वाला है। तो ज्योति का रिएक्शन क्या आएगा मुझे तो पता नहीं, लग रहा है मुझे बहुत ज़्यादा मार पड़ेगी आज। तो गाइस फाइनली देख सकते हो मैंने अपना बाल काट लिया है, और पीछे देख सकते हो ज्योति सो रहा है, और हमारे साथ में हमारा ट्रिमर है। तो गाइस अभी ज्योति के ऊपर प्रैंक करते हैं, देखते हैं ज्योति का रिएक्शन क्या आता है क्या नहीं। फिलहाल तो ये बहुत सारा बाल मैंने काट दिया, देखिए गाइस फिलहाल मैं अपना बाल काट दिया। इसका कारण यही है कि मुझे बाल कटवाना भी पड़ेगा दो चार दिन के अंदर, तो उधर जाके शायद से मेकअप हो जाएगा, इसलिए मैंने काट दिया, और प्रैंक भी करना था इसलिए काट दिया। तो गाइस अभी ज़्यादा बात नहीं करते हैं, ज्योति के ऊपर प्रैंक अप्लाई करते हैं और ज्योति का रिएक्शन चेक करते हैं। गाइस फिलहाल तो गाइस देख सकते हो ज्योति अभी चैन से सो रहा है, पहले मैं बाल इधर रख देता हूँ, उसके बाद ट्रिमर चलाऊँगा। उठ ना जाइए। तो गाइस अभी देख सकते हो ज्योति सो रहा है, और ये बाल इधर रख देते हैं, और उसके बाद हम चलाने वाले हैं ट्रिमर, और इसके बाद हम चलाने वाले हैं ये। चैन से नहीं निकल रहा है ये। क्या कर रहे हो तुम? बाल काट रहा था, बाल काट रहा था तुम्हारा।
ये नया खरीदा है ना, ये क्या गया तुमने? अरे नया खरीदा था मैं ये, और इसमें थोड़ा तो सच में बाल काट दिया। अरे हम देख रहे थे इसे बाल काटता है कि नहीं काटता है। मेरे सर पे तो उतना ज्यादा बाल नहीं है, तुम्हारे सर पे बहुत ज्यादा बाल है, इसलिए थोड़ा काट के चेक किया मैंने। इतने सारे बाल तो मैं सच में काट दिया है। हाँ अरे कितना सारा, क्या इतना सा बाल काटा है यार? दिमाग ठीक है ना? पहले ये बताओ दिमाग ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है, दिमाग तो मेरा लगते ही रहा है कि तुम्हारा दिमाग बिल्कुल ठीक है। तुम्हारा ठीक नहीं है फिलहाल के लिए, मुझे ये। अरे बिल्कुल ठीक है मेरा दिमाग, दिमाग अगर ठीक होता तो ये नहीं करते ना तुम। अरे क्या किया यार, सारे बाल काट के गंजे हो जाओ, मुझे कोई परवाह नहीं, मेरा क्यों काटे तुम? ऐसे ही काट दिया यार, ऐसे ही काट दिया। कितना काटा है तुमने? जितना तुम्हारा हाथ में है शायद उतना ही। यहाँ पे बहुत सारा गिरा, क्यों काटा है ये बोलो पहले। अरे ये खराब, अरे मेरा बात तो सुनो पहले, ये ट्रिमर मैंने तुम्हारा पूरा खराब हो चुका है तुम्हारा, मुझे ये लग रहा है। अरे ये ट्रिमर मैंने नया खरीदा था, ये वाला बाल क्यों काटा तुमने ये बोलो? ये चेक कर रहा था, मुझे मत सुनाने, बाल क्यों काटा मैंने? ये चेक कर रहा था, चेक कर रहा था। हाँ मेरा तो छोटा छोटा, अरे मेरे सर पे तो ज्यादा बाल नहीं है ना, काटता तो पता चल जाता लोगों को। खुद ने बताया कि चेक करने के लिए मेरा बाल काट रहे हो तुम, तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हें खुद ने बताया? हाँ पता है। चेक करने के लिए एक लड़की का बाल तुम काट रहे हो, एक लड़की का बाल काटना मतलब पता है तुम्हें? हाँ पता है, मतलब बाल काटना मतलब और क्या, बाल काटना लड़की का बाल काटना मतलब पता है तुम्हें? हाँ बाल काटना मतलब बाल काटना जो हर महीने मैं काटता हूँ, तुम नहीं क्यों काट सकते? तुम्हारा तो इतना सा बाल काटा है मैंने, ज्यादा बाल थोड़ी काटा है। मजाक में क्या कर दिया हो? अरे क्या किया यार, कुछ नहीं किया मैंने। अरे ये चेक कर रहा था, ये ठीक से काम नहीं कर रहा है, नया खरीदा है मैंने। अरे थोड़ा सा काटा है देखो, और एक बार चला के देखो। अरे सुनो मेरा बात, ये मतलब मैं नया खरीदा था और चेक कर रहा था तुम्हारा बाल ठीक से काटता है कि नहीं काटता है। मेरा सर पे ऐसे ही कम बाल है, अगर काटूंगा तो सबको पता चल जाएगा कि इधर से काटा है बाल। यार तुमने मेरे आंखों के सामने से बाल से थोड़ा सा आंखों के सामने से जाओ मार दूंगी, फिर तुम मुझे उल्टा सीधा बोल दो, ऐसा जाओ मैं बोल रही हूँ, तोड़ दूंगी तुम्हारी चिमटी, ठीक है? एक और बार काट के देखते हैं, मेरे पास दो मैं काट के दिखा दो। क्या बाल काटना किसे कहते हैं? मैं दिखाती हूँ, आ जाओ तुम यहाँ पे आओ, क्यों मेरे पास आओ, मगर जाने का नहीं, बात तो सुनाई है ना। एक और बात यार, तुम्हारा दिमाग खराब है। अरे छोटा सा एक, मतलब एक ही बाल काटेंगे क्यों काटोगे मेरा बाल? ऐसे ही चेक करें, क्या हो गया गाल के अंदर बाल चला गया क्या? तुम ऐसे हरकत करोगे तो जाएगी ना, मैं सो रही थी, तुम ऐसे मेरे बाल क्यों काटा मैंने? बैठने दो, हटो यार, तुमने डर लग रहा है तुम्हारा, कि मैं पहले जब क्या हो जाऊं फिर तुम्हारा ग्लास अभी टूट जाएगा, क्या बोलना है? इतना सा तो बाल काटा है यार, क्यों काटा तुमने मेरा बाल? और भी साइड है देखो, इतना सारा बाल क्यों काट दिया बिना परमिशन का? इतना सारा तुमने तो ये हरकत की, मेरा बाल काट दिया, सच्ची मुच्छी का काट दिया, वो भी सच्ची मुच्छी का काट दिया, फिर भी तुम्हें मैं ये सजा, तुम्हें तो मार देना चाहिए, तुम्हें तो जान से मार देना चाहिए, ठीक है? मैं तो मार रही हूँ बस, मुझे भी बाल काट दिया मुझे अपने बाल से कितना प्यार है, हर लड़की को प्यार होता है, तुम मेरा बाल काट रहे हो, दिमाग खराब हो चुका है, गुस्सा मेरा भी आ रहा है, तुम्हारा गुस्सा क्या भाई? कितना बाल काट रहे हो? तुम्हारा गुस्सा जाहिर हो रहा है, क्यों गुस्सा आ रहा है तुम्हें? अभी 2 महीने पहले ही खरीदा है, चुप, नया गुस्सा क्यों आ रहा है? ये बोलो, तुमने अभी मार दिया,
तुमने मेरा बाल क्यों काटा? तुमने मेरा बाल क्यों काटा? मैं कच्ची क्लास से सो रही थी, तुम्हें मारने के लिए मैं ये भी उठ गई, उठ के तुम्हें मार रही बिना वजह। और बिना वजह मैं तुम्हें मारती तो तुम मुझे छोड़ देते, ऐसे करते तो तुम हो नहीं। कैमरे में ज्यादा शरीफ मत बनो, ठीक है? तुम इतना शरीफ नहीं हो जितना तुम बन रहे हो, ठीक है? यूं ही मैं तुम्हें बिना वजह मारती तो तुम चुप बैठते यहाँ पे। वजह है इसलिए मार रही हूँ मैं, ठीक है? और तुम्हें तो जान से मार देना चाहिए। एक लड़की का बाल तुमने बिना वजह छोटा है और इसके बाद फिर बड़ा है।
तुम्हारा प्लान से क्या होता है? ये वाला वाला मुझे छू क्या बोलो, छू क्या बोलो? अरे तुम वीडियो में देख लेना, कल वीडियो अपलोड कर देंगे। अरे तुमको छू के बोल रहे हैं यार। सच में नहीं काटा है तुमने? अरे सच में नहीं काटा, तुम्हारे साथ प्रैंक कर रहे थे, देख नहीं गए, वीडियो बना रहे थे। तुम्हारा दिमागी संतुलन इतना खराब है ना, मुझे ये लगा कि शायद तुम वीडियो के चक्कर में मेरा बाल सच में काट दिया। मुझे तो ये लगा, देख सकते हो ज्योति के साथ हो चुका है बहुत गंदा वाला प्रैंक। अरे बार बार बोल रहे हूँ मैं, नहीं काटा यार। तो गाइस देख सकते हो अभी ज्योति के साथ हो चुका है बहुत गंदा वाला प्रैंक। और ये वाला प्रैंक ज्योति तुमको कैसा लगा? कैसा लगा ये बताओ ना। तो गाइस ज्योति को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करके जाना। और गाइस होते हुए इंसान को डिस्टर्ब कैसे किया जाता है इससे सीखिए गाइस। मैं सो रही थी अच्छी खासी, कैसे आके डिस्टर्ब किया इसने। तो गाइस ये वाला प्रैंक आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कोई नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे एट होम।